हाय डियर माय फ्रेंड्स, देखो अभी क्या प्रॉफिट चेक कर, लास्ट प्रॉफिट का बात नहीं बोल रहा, यहाँ पे होल्डिंग पोजीशन है, ये भी होल्डिंग पोजीशन है और प्लस ये वाला जो है ये फाइनली, ये सब क्यों मैंने बाय किया राइट, ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ इसीलिए बाय कर रहा हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कितना है ठीक है, तो आप लोग को किस रीजन से होल्डिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फाइनेंशियल ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पास, अभी हम लोग को होल्ड सेल कर रहे हैं, अभी होल्डिंग पोजीशन क्या रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग पोजीशन है 1, 2, 3, इसका फंडामेंटली आपको देखना पड़ेगा, फंडामेंटली सपोज आपको ये क्या क्या काम करता, कौन सा ब्रांड है, मैं क्यों इन्वेस्ट किया है आप लोग को दिखाता हूँ, इन्वेस्ट नहीं है स्विंग ट्रेडिंग है ठीक है। यहाँ पे देखो कम कैपिटल का अंदर कैसा, ये छोटा सा अमाउंट है इसका अंदर, तो ये कम कैपिटल का ग्रो कैसा कर होता है ठीक है, आपको पूरा सेफ्टी के साथ ट्रेड हो जाता है। यहाँ पे बाटा इंडिया, इसका काम क्या है सबको तो पता है बाटा इंडिया क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाटा इंडिया का काम है, यहाँ पे कौन सा दिया बाटा इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे इन्वेस्टर 25 एनालाइज इन्वेस्टर, आपको 25 से मतलब नहीं है, अपन को बाटा इंडिया मतलब अभी जो फिलहाल सिचुएशन लॉकडाउन है ठीक है, उसके बाद इसका 22 ठीक है, कहीं ना कहीं ये ग्रो हो रहा है ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ देखना पड़ता है, इसके पास कर्ज कितना है, इसका बिजनेस मॉडल तो इनको समझ गया आप क्या है ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर आएगा सर्च करो बाटा इंडिया राइट, तो हम लोग को पास देखो इसका डेट एंड कर्ज ज़्यादा नहीं है, पैसा भी ज़्यादा नहीं, छोटा सा कंपनी मतलब इतना यहाँ इसमें नहीं, इसमें मैं फंडामेंटली देख के ट्रेड नहीं, या फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ ठीक है। उसके बाद बिजनेस अभी लॉकडाउन में डाउन है और आगे फिलहाल ये हो जाएगा, मगर फिर भी ये पैसा उतना हाई नहीं है इसके पास, उतना सा बिजनेस मॉडल ठीक है, क्योंकि बिजनेस मॉडल के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने अब फंडामेंटली ठीक है क्यों इन्वेस्ट किया मैंने अभी आपको समझाता हूँ। एक बटा इंडिया चले गया, अभी हम लोग यहाँ आ जाता बटा इंडिया का, अभी 100 देखो 111 रुपये हो गए राइट, अभी पैसे के ऊपर हम लोग नहीं भाग रहा हो, इन्वेस्टिंग कैसे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करा जाता है, हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हो और फिर भी मेरे पास इतना डर नहीं रहता, अगर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में जाए तो कहीं ना कहीं एक साइड यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं मिला मेरे को, वीकली में जाऊँ तो अच्छा खासा बाइंग ट्रैप है, इसका मतलब हमने बाइंग ट्रैप रहना चाहिए राइट, इतना एक एक को समझाना बोल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हमने लाइन ले लेता है, यहाँ पे लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया होगा शायद, छोड़ दो अभी उतना टाइम नहीं मेरे पास, और उसके बाद मंथली में जाओ तो कहीं ना कहीं पूरा ग्रीन है राइट, और कहीं ना सपोर्ट लेते हुए ऊपर आप ट्रेंड में जा रहे हैं, तो 2 आवर्स 1 3 आवर्स ठीक है, कहीं ना कहीं ये मंथली वीकली बेसिस में लिया मैं और डेली बेसिस में लिया, तीन ऑप्शन में मैं लिया, उसके बाद हाँ मैं ये तीनों ऑप्शन देख के मैं लिया, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन है और उसको जब भी लॉकडाउन धीरे धीरे खोलेगा इसका चप मतलब बिजनेस मॉडल चेंज होता जाएगा ठीक है, तो इतना बात है और 30 मिनट 50 मिनट तो इतना सब बात है ठीक है, और भी ये बाइंग साइड है, तो हमारा अभी इसमें होगा ठीक है, ये तो पहला समझ में आ गया रीज़न क्या है ठीक है बाटा इंडिया का लेने का, थर्ड रीज़न हमने यहाँ पे होल्डिंग किया ठीक है, अभी इसका क्या है बाउगन का है, ये मेडिकल फार्मेसिस का है,
ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट का इंतजार खड़ा है रे। मंथली में कहीं ना सेलिंग बहुत ज्यादा है, एक डायरेक्टली ये रिट्रेसमेंट ऑन टाइम इतना सेलिंग नहीं हो सकता है, रिट्रेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, वीकली कैंडल, और यहाँ पे भी अच्छा कर रहा है, डब्ल्यू फोर टेन मतलब अच्छा खासा एक बना रहा है। और मैंने 15 मिनट में आ जाता हूँ। ठीक है, चार्ट एनालाइज तो हो गया, ये सब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो बावकन का बिजनेस मॉडल है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इसका ही काम है। ठीक है, लॉस होता रहता, प्रॉफिट होता रहता। ये तो आपको पता है क्या है, नहीं इसमें क्या दिखाने का है, एक मेडिकल का है, समझ में आएगा उसके बाद। फिर भी क्या था उसका, यहाँ पे देखो इसके पास अच्छा खासा फंड है राइट। यहाँ पे मतलब मैं यहाँ अगर बाटा इंडिया में डूब जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा, तो इसमें रिकवर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे इसके पास कर्ज ज़्यादा नहीं है, और इंटरेस्ट कवर रेशियो अच्छा है। ओपीएम थोड़ा कम है 5 ईयर्स का ग्रो, मगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम थोड़ी है, इतना देखना है मेरे को। इसका कहने का ईपीएस ग्रोथ भी हाँ अच्छा हो रहा है, ईपीएस भी देखो यहाँ पे 6-6 मतलब एक रेंज में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं रेंज ऊपर नीचे होते ही रहेगा। बावकन का एच डी एफ सी लाइफ है, अभी देखो लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम, यहाँ पे लॉस होगा प्रॉफिट, ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, इसका रिटर्न इसका कितना है, स्टॉक इन्वेस्टर कितना 38% स्टॉक बाइंग के लिए इन लोग बोला, मगर वो सब बाइंग कौन बोला नहीं बोला सब नहीं। एच डी एफ सी लाइफ राइट, एच डी एफ सॉरी देखो इसका हाई लो देखने का मैं, इसका 63% पॉसिबिलिटी है। इसका बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आ गया, लाइफ इंश्योरेंस, और ये फ्यूचर में इंश्योरेंस आगे जाते अगर ये होल्ड भी करूँगा ना तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये आगे जाके अभी कोरोना का टाइम चल रहा है वगैरह वगैरह, उसके बाद तो ये इसमें आदमी आजकल थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे आदमी ज़्यादा आते रहेगा, क्योंकि सबको पता चल रहा है कोविड टाइम ये वो दुनियादारी का परेशान है। अगर इसका कट रहे तो लाइफ इंश्योरेंस तो अच्छा रहता, सेफ्टी रहता। ठीक है, पैसे भी नहीं डूबता उतना। तो एस डी एफ सी यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि एक एक बिजनेस मॉडल रहता है अलग अलग इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख के नहीं, यहाँ पे मैंने कैंडल स्टिक देख के लिया होगा शायद, और इसका बिजनेस मॉडल देख के मैंने इन्वेस्ट किया। देखो अभी ये इसका बटा इंडिया का 130 हो गया है, तो इसका कभी 200 इसका बढ़ते रहता कमते रहता, मैं वो बात नहीं है, मुझे एक 200-300 कमाना नहीं है इसमें। ठीक है, और हम लोग पोजिशनल में जाऊंगा, आज का पोजिशन जो बनाया। ठीक है, इसमें 147 लॉस चला है, इसमें अभी लिया है कुछ टाइम पहला। आईटीसी का मॉडल क्या है राइट, बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें अच्छा खासा आईटीसी, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बेटर मत मस्त है। ठीक है, आईटीसी मैं अलग अलग वेबसाइट से देख रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम बना के रखा है। इसमें देखो इसके पास फंड जबरदस्त खुला है, इंटरेस्ट कवरेज मतलब फंड जबरदस्त है, ईपीएस ग्रोथ भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आर ईयरली। ठीक है, 2.8
तो इतना नहीं, 200 EPS 37 है इसके, तो OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये थोड़ा कम है तो चलेगा, इतना है 215। यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा कभी कभी, और इसके पास फंड ज़बरदस्त है तो हम लोग को फंड में तो अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ITC का मॉडल क्या है, ITC का मॉडल है देखो, इसका बिजनेस मॉडल 83 आदमी है इसका बाइंग ऐसा, इसका ब्रांडेड बहुत अच्छा है, इसका ब्रांडेड है इंडियन, और सिगरेट का जो फैक्ट्री है गोल्ड फ्लैग 1 2 3। उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रांडेड क्या है, यहाँ पे देखो यह बिस्किट है गेहूँ, उसके बाद ये बिंगो भी, और इसका बिजनेस मॉडल ज़बरदस्त है यार, इसका डाटा चलो चले क्यों इतना, इसीलिए फोटो भी नहीं, विल लाइफ स्टाइल होम की यहाँ पे ये भी शो कर गया थोड़ा डाटा चलो है, तो कहना ना कि इसने बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। और फिर मैंने इन्वेस्ट के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने सोच रहा हूँ, वो भी जो प्राइस मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वही में, मतलब मैं बाई तो करता हूँ वही बाई करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इतना अच्छा है सब कुछ, ठीक है। इसका बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आ जाएगा, ITC का पावर का, तो पावर का समझ में आ जाएगा क्या है, इसी तो पावर है और क्या बताएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आता है उसका POW पावर ग्रीन, इसका बिजनेस मॉडल यहाँ पे, इसका फंड इतना मतलब दोनों बराबर ही है, डे टू डे फंड ठीक है, नहीं इतना मतलब इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने यहाँ पे देखती है इसको चार्ट एनालाइज करते हुए मैंने इसमें ट्रेडिंग लिया है, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग लिया है इसीलिए, ठीक है। मतलब यहाँ चार्ट एनालाइज भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ITC सन फार्मा, सन फार्मा आपको पास, सन फार्मा का तो बिजनेस मॉडल तो समझ में आएगा, और क्या दिखाऊंगा इसका भी देख, इस सन फार्मा यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे देखो इसके पास अच्छा खासा फंड पड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 12 कहीं ना EPS भी ग्रोथ हो रहा है, मैं देखा अभी इतना EPS नीचे जाओ, शेयर होल्डर कितना है सब देखता, मतलब देख के ट्रेड, मैं यहाँ स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ फिर भी मेरे को देखना पड़ता है, बाइंग ले रहा हूँ ना मैं, सेलिंग थोड़ी कर रहा हूँ, सेलिंग के लिए पैनिक स्टॉक चुनना पड़ेगा, जो वीक है फंडामेंटली उसको ही मैं चुनता था, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 to 11 to 8 में कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ रहा है घट रहा है वो तो बढ़ अब गया है, ठीक है। अभी समझ में आएगा आप लोग को, अभी मैंने इसको काट कर देता हूँ, अभी यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, हम लोग किस में भी इन्वेस्टमेंट जो भी बाय करो सेल करो राइट, तो हम लोग किस लिए करो। आगे सन फार्मा का यहाँ पे मैं देखा हूँ इसका, देखो कितना अच्छा खासा एक मुझे बाइंग पसंद, मतलब बाइंग ट्रेंड देख रहा है, ठीक है। अगर 15 मिनट में जाओ, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, कौन से भी जाओ आपको मंथली डेली वीकली, तो मैंने आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ क्यों मेन रीजन से बाई करने के लिए लिया। देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, मेरा टारगेट भी बहुत दूरी है, ठीक है। अभी एक दिन का नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। हाँ अगर लॉस ये 5 मिनट कैंडल नहीं दिखता, हम लोग 15 मिनट के कैंडल ऑन आवर टाइम फ्रेम का कैंडल दिखता, स्विंग ट्रेडिंग है हमारा, तो यहाँ पे ग्रीन ले रहा है राइट, ग्रीन मुझे नहीं जो ये लाख के फिर रिट्रेसमेंट लेगा, क्योंकि अगर कोविड मतलब धीरे धीरे लॉकडाउन भी खोला यार कहीं ना कहीं, मतलब इतना सा स्टॉक है ये नीचे नहीं, मतलब मेरे पास तो ये ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये सन फार्मा है, और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ सन फार्मा चले गया, पावर पावर का भी दिखा रहा था, हर ट्रेड लेने का पहला उसको हर तरह से एनालाइज करने के बाद ही हम लोग ले जाता है, ठीक है। पावर स्टॉक ये भी एक बाइंग ट्रैप ट्रेन है, कौन सा कैंडल में लिया, मंथली का देख लेते हुए, मंथली में लिया मैंने, मंथली अप ट्रेन है, ठीक है। कहाँ का देखा था,
ये है वीक डेली नहीं है, 3 आवर और 3 आवर देखो तो मैं शायद इसमें एक सपोर्ट लेती हूँ। आप ट्रेन जा रहा है 1 आवर 30 मिनट्स। कौन सा कैंडल में मिला था मेरे को? ये मेरे को ऑलमोस्ट कौन सा कितना है, 30 मिनट। हाँ 30 मिनट के कैंडल में मिलेगा मेरे को। इसको ब्रेकआउट नहीं किया मैं, पहले ही ले लिया एंट्री, वो देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है रिट्रेस में, मतलब ये ब्रेकआउट करेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये 4 टाइम में तोड़ के जाएगा ही जाएगा, गारंटी है। ठीक है, वो देखो अभी जा रहा है। ठीक है, कितना बड़ा कैंडल बना दिया 15 मिनट में, 15 मिनट में, इसका मतलब आप समझता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इतना अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल बना दिया, देखो एक ही झटका में, मतलब ये लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, और ITC का भी आपको दिखा देता हूँ किस रीजन से मिल रहा है। फंडामेंटली एक से अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। ठीक है, बिजनेस मॉडल सिगरेट गोल्ड फ्लैग वगैरह जो भी, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ फर्स्ट टाइम इस गैप अप खुला है, तो इसीलिए हमको भी अच्छा एक मौका मिला एंट्री ऑन अ टाइम फ्रेम में जाऊँ। तो कहीं ना कहीं एक पीछे एक डिमांड एंड सप्लाई में देखो इधर। ठीक है, कई बार होल्ड कर रहे पीछे, हाँ यहाँ पे बहुत बार रिट्रेस मिल ले रहा है। हाँ अगर बाई मिस्टेक ये नीचे भी आ सकता है, इसीलिए तो अपना हर चीज़ का स्टॉप लॉस जरूरी है। ठीक है, तो हाँ ये क्या है, नीचे भी आ सकता है क्योंकि, और मैंने इतना डरने वाला हाई नहीं हूँ क्योंकि मार्जिन एंड सेफ्टी, मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं लिया। गैप अप खुला, बहुत डाउनफॉल आया, उसके बाद कैंडल देखते हुए मैंने लिया। हाँ प्रॉफिट दिखा रहा, तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट मुझे अच्छा नहीं रहता, और लॉस के लिए मैं भी वेट करूँगा जब तक मेरा प्रॉफिट ना आए। ठीक है, मुझे ये आने दो, नीचे आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा स्टॉप लॉस है इस कैंडल का पास करीब करीब, टारगेट भी यहाँ पे है, तो वो देखा जाएगा क्या होता है। ये यहाँ पे ही अगर मैं इसीलिए यहाँ से लिया था क्योंकि फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर यह होल्ड करेगा इसके सपोर्ट, तब तक ये प्राइस जाते ऊपर नीचे जाते ही रहेगा, तब तक मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, होल्डिंग पोजीशन में लॉस दे रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे 4 रुपये लॉस हो रहा है क्योंकि देखो मार्जिन अनसेफ्टी, 2 रेड कैंडल बाद रेड कैंडल बनाए फिर भी मेरे को यहाँ पे 14 रुपये लॉस दे रहा है, राइट। तो मार्जिन अनसेफ्टी, मैंने हमेशा सेफ्टी में ध्यान दिया है, मार्जिन सेफ्टी। ठीक है, तो कहाँ प्राइस लेना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए, और फंडामेंटली अगर आप होल्ड करोगे ये स्टॉक तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि सब कुछ फंडामेंटली अच्छा है। देखो यहाँ पे बाटा इंडिया में प्रॉफिट दे रहा है, इसमें 10 रुपये प्रॉफिट दे रहा था, लॉस दे रहा था, प्रॉफिट लॉस, ये देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे 0 रुपये, इसका मतलब ये प्राइस में 61 17 सेम प्राइस है, बढ़ रहा है, 3 रुपये बढ़ रहा है, इसका मतलब 86। देखो फंडामेंटली ये टोटल इन्वेस्टमेंट बाटा बाउकन के बाइक बाउकन और HDFC लाइफ, इसके बाद ये सब का बिजनेस मॉडल अच्छा है। एक का बिजनेस मॉडल था पावर का, ये मुझे थोड़ा सस्टेनेबल अच्छा नहीं लग रहा, मगर इसमें बाई किया मैंने कैंडल स्टिक देख के। ठीक है, तो ये एक में भी लॉस हो जाएगा तो इसमें मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, इसमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा, एक में लॉस हो सकता है, मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल मुझे पावर का इन्वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ में जैसे करंट बना रहा है, तो उस सब चीज़ में मुझे अच्छा नहीं लगता इन्वेस्ट करना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता, प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता, ऐसा है। तो इसका बात ऐसा ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शायद आप लोग को, एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। कैसे इन्वेस्टिंग होता है, फंडामेंटली साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, ऐसे नहीं हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, शेयर का मतलब खरीदना बेचना ऐसा नहीं, अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करो, जो उसका कैसे बिजनेस है। देखो अभी TCS, रिलायंस, हाँ इन्फोसिस, इंडियन ऑयल, टाइटन्स, PVA, हर कंपनी बहुत पड़ा है, फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, मार्जिन एफ सेफ्टी। हाँ एक में इसमें एंट्री लिया था, मुझे नहीं मिला, मार्को में मुझे एंट्री नहीं मिला, 489 हो गया है, मैं मार्जिन सेफ्टी यहाँ पे नहीं मिला मेरे को, इतना फास्ट मूव भागा है, तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मार्जिन सेफ्टी में नहीं मिला, कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, कंटिन्यू मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस बिठाने का मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है, कहाँ बिठाओ बोलो मेरे को, यहाँ से अगर लिया तो मार्जिन सेफ्टी मिलता है,
अगर मैं हाई में बाय कर लूँगा तो मैं गलत हो जाऊँगा कि ये कहाँ मार्जिन सेफ्टी, यहाँ आए तो मैं मार्जिन सेफ्टी ले सकता। तो इस टाइम आज भी ले रहा था मैं, ज़्यादा कंट्री नहीं है, 487 में ले रहा था यहाँ से कहीं ना कहीं, यहाँ तो इतना टाइम प्रॉफिट हो जाता था, तो मार्जिन सेफ्टी नहीं मिला फिर, इसीलिए बटानिया में देख रहा था। इसमें रेड कलर कहने के मैंने इसको कैंडल बना के रखा है। यहाँ पे देखो मेरा वही प्राइस सस्टेन 115 मिनट्स नहीं, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये अगर रिट्रेसमेंट करे तो बाइंग साइड क्या है, मगर यहाँ से बाइंग करते इतना बड़ा टारगेट इतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं है, फिर भी नीचे आएगा यहाँ से अगर बाई कर सको तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिले तो प्राइस यहाँ से भी बाई करेगा, कुछ ऊपर जाएगा तो सेल कर देगा, स्विंग ट्रेडिंग ऐसा होता है ठीक है। और यहाँ पे ये तो चले गया, इसमें मौका नहीं मिला मैं देखा है। और अगर मैं रिलायंस में देखूँ, TVS, टाटा मोटर्स में मुझे भी एक एंट्री नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग एनालाइज रहता, मैं एनालाइज दिखा था आप लोग। ये है एक ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन में सपोर्ट ले रहा है, देखो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट स्विंग लो, टू स्विंग लो, फर्स्ट एंड सेकेंड, ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ है हमारा स्टूडेंट को पता है, मगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ऊपर जा, यह फिर एक रेजिस्टेंट खड़ा है, एक सपोर्ट खड़ा है, फिर दो ट्रेन लाइन है ठीक है। ऐसा है टाटा मोटर्स का शेयर में। और अगर हम लोग इंडियन ऑयल में जाऊंगा तो और एक एनालाइज आप लोग को दिखाऊंगा। एनालाइज हर तरह से अलग अलग एनालाइज हमने कभी पेनी के स्टॉक में अच्छा सा स्टॉक में चुन के रखा है। देखो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से लेके यहाँ रिट्रेस में लेके फिर ये ब्रेकआउट कर दिया, मतलब मौका ही नहीं मिला तो क्या करें ठीक है। मगर इससे पहले दिन यहाँ मौका मिल रहा था, मगर मैं इंडियन ऑयल में अभी इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करूँगा ठीक है, थोड़ा वेट करो उसको रिटर्न, मतलब थोड़ा सा आने दो उसको, कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो हर चीज का अलग अलग एनालाइज है ठीक है, और बहुत सारे एनालाइज हर चीज में, स्टील UPI हर कंपनी, मतलब यहाँ पे जितना भी देखना है ना, 3, 2, 1 यहाँ पे बटा इंडिया TCI है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है, मतलब हर चीज मुझे पता नहीं लुपिन, ये कौन सा मैं कौन सा टाइम में देखना, मुझे हर स्टॉक का इंफॉर्मेशन लेके घूमना नहीं ठीक है। तो अभी देखो प्रॉफिट दे रहा है 74, अभी एक में इधर का 230, इसमें ये मैं होल्डिंग किया है, इतना अच्छा से मुझे प्रॉफिट मिलना है। तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।